आज से राजधानी में G20 के तहत दो दिनों तक Think20 की बैठक शुरू हो गई है। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम का आज CM शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया। इसमें पर्यावरण सम्मत जीवन शैली, नैतिक मूल्य तथा सुमंगलमय युक्त वैश्विक सुशासन विषय पर देश विदेश से आए 300 से अधिक मंत्री, बुद्धिजीवी और विषय विशेषज्ञ प्लैनरी एवं पैरेलल सेशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और क्लस्टर ब्रीफिंग में विचार मंथन करेंगे। बैठक के पहले दिन 3 प्लेनरी सेशन, 10 पैरेलल सेशन और 2 ब्रीफिंग क्लस्टर होंगे। केंद्र सरकार की ओर से G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला ने आज से दो दिनों तक होने वाली बैठकों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भारत को पहली बार G20 की अध्यक्षता मिली है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने बताया कि विभिन्न स्तरों में जो है एथिक्स, साइंस, एथिक्स और फाइनेंस पर भी चर्चा होगी। यूनिसेफ के प्रतिनिधि यासुमासा किमोर ने बताया कि यूनिसेफ G20 में ग्लोबली सपोर्ट कर रहा है। विभिन्न सत्रों में लगभग 300 प्रतिभागी शामिल हैं। इनमें से 94 अंतर्राष्ट्रीय भारत में और लगभग 100 स्थानीय प्रतिभागी शामिल हैं। G20 की भोपाल में बैठक है और दुनिया भर से इंटेलेक्चुअल्स, थिंकर्स, जो सोचने वाले हैं, आज मध्य प्रदेश पधारे हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि भोपाल कैपिटल ऑफ इंटेलेक्चुअल हो गई है। मैं सबका यहां हृदय से स्वागत करता हूं और मध्य प्रदेश का जो एक इनिशिएटिव है, मैं रोज पेड़ लगाता हूं और हमने अंकुर करके एक पोर्टल बनाया है जिसपे प्रदेश की जनता के जो हमारे लोग हैं वो अपने जन्मदिन पर, बर्थडे पर, मैरिज एनिवर्सरी पर या बेटा बेटी के जन्मदिन पर पेड़ लगाते हैं और 37 लाख से ज्यादा पेड़ अभी लग चुके हैं। आज मैंने निवेदन किया कि यहां जहां मैं रोज पेड़ लगाता हूं, आप सब भी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने G20 की जो थीम रखी है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर,